मणिपुर के बाद अब त्रिपुरा में जारी हिंसा को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार केंद्र सरकार पर हमला बोल रही है। इसी कड़ी में मंगलवार को कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम मोदी पर तीखे जुबानी हमले किए। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमलों जैसे कई विषयों पर चर्चा करते हुए रिपोर्टर शुभ सेठ ने कांग्रेस नेता जगदीश शर्मा से बातचीत की। सुनिए इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा। मणिपुर के बाद अब त्रिपुरा में भी हिंसा होने लगी है, इस पर हमारे साथ ज्यादा बात करने के लिए कांग्रेस के नेता जगदीश शर्मा जी मौजूद हैं। सर, किस तरह से देखती हैं कि पहले मणिपुर में हिंसा होने लगी है, अब जो है त्रिपुरा में हिंसा होने लगी है, आप सीधा आरोप जो है बीजेपी पे लगा रहे हैं, केंद्र सरकार पे लगा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी 14 साल से लगातार झूठ बोल रही है। बड़ा नेता छोटा झेटा, बाहर झूठ बोलते हैं, अंदर झूठ बोलते हैं और लोकसभा के मंदिर में भी झूठ बोलते हैं। उनके एमपी, उनके मिनिस्टर कहते हैं कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर में शांति हो गई है, कोई आतंकवादी हमले नहीं हो रहे हैं, या तो दिखाना नहीं चाहते हैं, देश देख रहा है, उनका चश्मा कौन सा पता नहीं। मैं समझता हूँ मणिपुर में, त्रिपुरा में, जम्मू कश्मीर में रोज़ हमारे कोई ना कोई जवान मारा जा रहा है। उस माँ से, उस पिता से, उस बेटे से, उस भाई से पूछा जाए जिसके परिवार का सदस्य है, गया था फौज में देश की रक्षा के लिए, पर सोता मारा गया, खाता मारा गया, नहाता मारा गया, धोखे से मारा गया। तो फौजी फौज में इसलिए नहीं जाते हैं, और अब तो अग्नि भी जो समझ दिए हैं उनके साथ क्या होने वाला है। तो मैं समझता हूँ सरकार चारों खाने चित्त है, बुरी तरह फेल हो गई है। झूठ बोलना इनका कर्तव्य है, इनका धर्म है और इनकी इंसानियत है, जिससे देश नहीं चलने वाला। आज देश त्राहिमान है, हर आदमी, किसान, महिला, मजदूर, जवान, देश का हर आदमी दुखी है, परेशान है, पर इनका अहंकार खत्म नहीं हो रहा है। 250 लोग जो रिफ्यूजी कैंप में रह रहे हैं, उनके लिए कांग्रेस पार्टी क्या कुछ करेगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी तो हमेशा करती आई है। हमारा नेता राहुल गांधी जनता के बीच में है। प्रधानमंत्री जब बने थे आज से 10-12 साल पहले, कैमरा लेकर फोटो खींच ली थी। हम सोचे थे बहुत अच्छा प्रधानमंत्री, एक पत्रकार की फोटो खींच रहा है कैमरा लेकर, वो दिन और आज का दिन है। कभी 1-to-1 मीडिया से नहीं हुए। राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं है, फिर भी सवाल राहुल गांधी से पूछे जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से पूछे जा रहे हैं, डिबेटों में चर्चाएं राहुल गांधी पर हो रहे हैं, और गोदी मीडिया तो ढूंढती है कि कोई कमी राहुल गांधी कर दें, हम उसको दिखाएं, चर्चा में लाएं। और प्रधानमंत्री दिन रात यहाँ जवान मर रहे हैं और रशिया का डांस देख रहे हैं, रशिया में जाके। बड़े दुख और दुर्भाग्य की बात है कि देश परेशान है, पर इसका कोई निजात मिलता नजर नहीं आ रहा। हेराफेरी से, झूठ से, ईवीएम से, डीएम से सरकार मारे हैं, जनता ने इनको चारों खाने चित्त और बुरी तरह नकार दिया है। मणिपुर और त्रिपुरा में जिस तरह से हिंसा हो रही है, क्या कांग्रेस पार्टी सड़कों पे भी उतरेगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी तो सड़कों पे है। राहुल गांधी ने आपने देखा सड़कों पे थे, भारत जोड़ो यात्रा में 4000 किलोमीटर चले, फिर 4000 किलोमीटर सड़कों पर ही चले, वो जहाज या बसों में नहीं चले हैं। और मैं समझता हूँ राहुल गांधी और कांग्रेस, उनके कांग्रेस पार्टी, उनके सिपाही सब सड़कों पर हैं। अगर सड़कों पर नहीं है, अगर जहाजों में है, हवा में है, तो मोदी जी और मोदी जी की सरकार है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। हमारे साथ बात करें कांग्रेस के नेता जगदीश शर्मा। MKN न्यूज़ के लिए दिल्ली से शुभ सिंह।